नमस्कार, एनआई न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम। और नेपाल पर कुछ बड़े असर पड़ने वाले हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के बनने के बाद। हालांकि बाइडेन की नीति का असर तो पूरे दुनिया पर पड़ने वाला है, लेकिन नेपाल और अमेरिका के बीच में कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें हैं जिन पर असर इसका जरूर दिखने वाला है। और हाल ही की बाइडेन की इनॉग्रेशन स्पीच ने भी इसको काफी हद तक क्लियर किया था कि बाइडेन ग्लोबल कॉरपोरेशन, ह्यूमन राइट्स, सोशल इंक्लूजन, साथ ही साथ क्लाइमेट को लेकर कुछ बड़ी चीजों पर काम करने वाले हैं। और इन चीजों का नेपाल और नेपालियों पर डेफिनेट असर पड़ने वाला है। और वो इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, उसकी बारी बारी से हम बात करेंगे। तो इन इम्पैक्ट्स पर बढ़ने से पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा जरूर देखे पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे नेपालियों पर सीधे तौर पर किन चीजों का असर पड़ने वाला है। आपको बता दें कि जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं सिटीजनशिप को लेकर कुछ बड़े चेंजेस करने वाला है, और ये बड़े चेंजेस नेपालियों को भी इफेक्ट करने वाले हैं। आपको बता दें कि बाइडेन का न्यू एडमिनिस्ट्रेशन 11 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को अपनी सिटीजनशिप देने वाला है। अब ये नेपालियों के लिए भी अच्छा इसलिए है क्योंकि एक 2015 की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, जो कि अमेरिका में हुई थी, कि करीबन 1.5 लाख US citizens हैं जो कि नेपाली ओरिजिन के हैं, और जिनमें से 83% ऑफ जो लोग हैं वो बीते 10 साल में ही US आए हैं, यानी कि अमेरिका आए हैं। और ये नंबर इसलिए भी बढ़े क्योंकि 2015 में जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तब 9000 नेपालीज को रेजिडेंट के तौर पर US में टेम्परेरी प्रोटेक्शन स्टेटस के तहत आने दिया गया था, और 2015 से ही वे नेपाली US में रह रहे हैं, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों को सिटीजनशिप नहीं दे रहा था। लेकिन क्योंकि अब जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन इन चीजों पर काम करने वाला है, तो इन नेपालियों को साथ ही साथ और जो मिलियंस ऑफ लोग हैं, इनको यूएस की सिटीजनशिप मिलने वाली है। और हाल ही में 27 जनवरी को आई एक रिपोर्ट के अनुसार, मैं ये भी आपको बता दूं कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने नेपाल के एडमिनिस्ट्रेशन को तलब की है कि वो टिबेटन रिफ्यूजीज को भी डॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स की तरह रखें, जो कि 1959 में चाइना के तिब्बत पे कब्जा करने के बाद से आए थे। तो उसको लेकर अमेरिका नेपाल से भी बातचीत कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव है जो कि नेपालियों के लिए भी अच्छा है, साथ ही साथ और भी कम्युनिटीज के लिए अच्छा है। आपकी राय क्या है इस पर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब जो दूसरी चीज है जो कि इफेक्ट करने वाली है नेपाल में, वो है माइनॉरिटी राइट्स को लेकर। आपको बता दें कि दुनिया भर में जो बीते 4-5 सालों में बिगेस्ट चैलेंज निकल कर आया है, वो निकल के आया है पावर डोमिनेशन का, वो भी माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज को लेकर। दुनिया भर के हर रीजन में ऐसी चीजें देखी गई हैं। अमेरिका में खुद ही ब्लैक्स के साथ हुई हिपोक्रेसी को लेकर लोग भी सड़कों पर उतर आए थे और काफी हंगामा मचाया था ट्रंप प्रशासन को लेकर। और उसी पर अब रोल आउट करने के लिए जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन बना है, वो दुनिया का मोस्ट डाइवर्स, यानी कि भांति भांति तरह के लोगों को उसमें शामिल किया गया है, जिसे कहीं ना कहीं लोगों में बराबरी का संदेश जाए और कोई एक लोग ज्यादा पावरफुल ना हो पाए। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि नेपाल दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां पर धर्म और जाति को लेकर आज तक एक कतरा भी खून नहीं गिरा है, जो कि एक खुशी की बात है। लेकिन हाल ही में देखा जा रहा है कि जैसे जैसे राजनीतिक उठापटक नेपाल में बढ़ती जा रही है, तो लोगों के वेरिएशंस भी क्रिएट होते जा रहे हैं, और राजनीतिज्ञ कहीं ना कहीं लोगों में एक गैप पैदा करने में सक्षम हो रहे हैं। और नेपाल की जो बात करें, नेपाल में जो माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी को लेकर काफी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं राजनीति के आ जाने से बढ़ा है। सबसे बड़ा एग्जांपल हम लोगों ने देखा था 2008 से 2015 के बीच में, जो कि मधेशीज और पहाड़ी नेपालीज को लेकर काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट किए गए, जबकि सब सेम सिटीजन है, सब एक सेम कंट्री में है। तो कुछ माइग्रेटेड पीपल जो कि तिब्बत और कई और इलाकों से आए हैं, उनको चाह कर भी नेपाल कोई मदद नहीं कर पाया क्योंकि चाइना का प्रेशर बहुत ज्यादा था। लेकिन नेपाल ने 1994 तक इनको कार्ड इशू किए थे, लेकिन 94 के बाद से ये कार्ड इशू होना बंद हो गए थे। और मैं आपको बता दूं कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसको लेकर नेपाल के एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है, और नेपाल के एडमिनिस्ट्रेशन से भी आग्रह किया जैसा मैंने पहले बात की है। और इसका इम्पैक्ट बायलेटरल रिलेशंस पर भी पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ेगा, और डेवलपमेंट एसेट्स पर भी पड़ने वाला है नेपाल के। और इसको लेकर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि यूएस के साथ मिलकर काम करना एक कंट्री के लिए अच्छा क्यों होता है, जिसका लिंक आई बटन में ऊपर होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वो वीडियो भी इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा। हालांकि नेपाल तो काफी ज्यादा स्टेबल है रिलीजन कास्ट को लेकर अपने देश में,
लेकिन इससे कई गुना ज्यादा जाति और धर्म को लेकर साउथ एशियन कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो कि है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में। तो इनके ऊपर भी कहीं न कहीं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की लताड़ लगने वाली। अगर किसी देश में आपस में ही लोग लड़ते रहेंगे तो उस देश का डेवलपमेंट कभी भी नहीं हो सकता। तो ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट्स के लिए भी काफी अच्छी बात है, साथ ही साथ समाज की क्वालिटी और चीजों के लिए काफी अच्छी चीज है। अब एक और चीज जिस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है नेपाल पर, वो है क्लाइमेट चेंजेस को लेकर। जी हाँ, क्योंकि जो अमेरिका का नया एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कहीं ना कहीं क्लाइमेट के खिलाफ जो बैटल चल रही है उसको लेकर काफी ज्यादा अर्जेंसी दिखाई है, और नेपाल के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि इस चीज को लीड करे, क्योंकि पॉल्यूशन को लेकर नेपाल भी सेंसिटिव रहा है और पॉल्यूशन पर भी नेपाल ने लगातार काम किया है। लेकिन बीते कुछ सालों ने राजनेताओं ने चीजों को दबाने के लिए इन मुद्दों को कहीं ना कहीं गाड़ दिया और इन चीजों को नहीं उठाया, साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पर भी बहुत ज्यादा पहल नहीं की गई, जिसके चलते ये मुद्दे काफी ज्यादा दब गए। आपको बता दें कि करीबन 4 साल नेपाल ने होस्ट किया था हिमालय कंसेंसस समिट, जो कि नेपाल की गवर्नमेंट ने होस्ट की थी, जिसपे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट्स पर जोर दिया गया था क्लाइमेट चेंजेस को लेकर। लेकिन बाद में फिर ये चीजें ठंडे बस्ते में चली गई, क्योंकि इन चीजों से किसी को पॉलिटिकल फायदा नहीं था और जनता इनको कोई मुद्दा मानती नहीं। तो हमारी आपकी भी गलती है कि हम क्लाइमेट चेंज को अपना मुद्दा नहीं मानते, तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि हमें इन चीजों को अपना मुद्दा बनाना है, जिससे राजनीति भी इसमें कूदे। साथ ही साथ अब कहीं ना कहीं ग्लोबल प्रेशर आने वाला है क्लाइमेट चेंजेस को लेकर, तो नेपाल के पास फिर से चांस है कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे और एक पॉजिटिव वे में नेपाल में क्लाइमेट चेंज पर अच्छी चीजें चलाई जाएं, जिससे ग्लोबल लेवल पर नेपाल की भी इमेज अच्छी जाएगी और नेपाल इसमें एक बड़ी कंट्री के रूप में सामने आ सकता है, जिसके तहत नेपाल को भी अमेरिका की तरफ से काफी ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि इसमें अब अमेरिका भी काफी ज्यादा सपोर्टिव है। अब चौथी चीज जो कि इस नए एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से अच्छी होने वाली है नेपाल में, वो है कि नेपाल और अमेरिका का रिलेशन। जी हाँ, क्योंकि पहले ही जब मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन नेपाल में आया था उसके बाद से काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकल इश्यूज सामने आए थे। नेपाली लोग काफी ज्यादा अमेरिका की इस पॉलिसीज पर नाराज भी हुए थे और इसे लेकर लोगों में भी काफी ज्यादा नाराजगी देखी गई थी। साथ ही साथ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन की तरफ से कुछ चीजें ऐसी बोल दी गई थी जिसके बाद लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और इन इन्वेस्टमेंट्स की दिशा बदल गई, क्योंकि अमेरिका के बयान ही कुछ ऐसे आए थे। साथ ही साथ पॉलिसीज में भी कई चीजें अप टू डेट नहीं थी, जिसे लेकर अमेरिका और नेपाल का रिलेशन काफी ज्यादा खराब हुआ, जिसके बाद से यूएस इन्वेस्टमेंट भी नेपाल में कम हुआ। साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से जो टूरिस्ट सेक्टर था नेपाल में वो भी काफी ज्यादा रिड्यूस हुआ, यानी कि एक बड़ा डिक्लाइनमेंट हुआ अमेरिका और नेपाल के बीच में टूरिज्म को लेकर। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो चुका है, अब ये चीजें काफी ज्यादा सुधरने वाली हैं और नेपाल और अमेरिका की भी बात काफी ज्यादा अच्छी चल रही है, और हाल ही में यूएस एम्बेसी से ग्यावली की भी मुलाकात हुई है। तो कहीं ना कहीं अब नेपाल और अमेरिका की 1-to-1 बात होती है और इन बातों के चलते रिलेशंस भी अच्छे होने वाले हैं और साथ ही साथ डेवलपमेंट भी। तो यही वो चेंजेस हैं जो कि नेपाल में आना शुरू होंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो चुका है और ये नेपाल और नेपालियों को इसी तरह से अफेक्ट करने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें पॉजिटिव साइन शो कर रही हैं सभी देशों के लिए, साथ ही साथ नेपाल के लिए भी। तो आपकी क्या है इस पर, आपको कौन से चेंजेस ज्यादा अच्छे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, या फिर आप इन चीजों से कुछ डिफरेंट राय रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लें, ट्राई करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर दबा लें ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद। NI News।